साथियों नमस्कार। साथियों राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी ने पासी समाज से विश्वासघात किया है तो वो अखिलेश यादव ने किया है। आप भली भांति जानते हैं कि सत्ता में बैठे नेता हर जाति समुदाय को दबाने का कार्य करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो सत्ता के बाहर रहकर पासी समाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। और तो और, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जहां पासी समाज का इतिहास मिटाने का कार्य ना किया हो। साथियों आप भली भांति जानते हो कि पासियों का इतिहास खत्म करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। यह षड्यंत्र अखिलेश यादव के जरिए ओम प्रकाश राजभर कर रहा है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने एक सभा में महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर घोषित करके पासियों के गाल पर तमाचा मार दिया। साथियों जब ओम प्रकाश राजभर अपनी अध्यक्षता में अखिलेश यादव को सभा में इनवाइट कर रहा था तब मैंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के जरिए अखिलेश यादव को सूचित कराया कि सभा में महाराजा सुहेलदेव पासी के साथ जाति शब्द उल्लेख ना करे, नहीं तो पासी वोट कट जाएगा। तो अखिलेश यादव को जवाब आया, उन्होंने सीधा कह दिया कि हम पासी वोट पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने सीधा कह दिया कि हम पासी वोट पर विश्वास नहीं रखते, हम ओबीसी और मुस्लिम वोट पर विश्वास रखते हैं। साथियों जब इंद्रजीत सरोज जैसे बड़े नेता की अखिलेश यादव ने एक बात नहीं सुनी तो सोचो अखिलेश यादव की सरकार बनते ही तुम किस लाइन में खड़े हो। चलो अखिलेश यादव यहां पर रुक जाते तो ठीक था। साथियों अखिलेश यादव यहां भी नहीं रुके। एक बार फिर 27 नवंबर को संडीला में अर्खों द्वारा एक जनसभा बुलाई गई। इस बार सपा के नेताओं द्वारा फिर अखिलेश यादव को सूचित किया गया कि वहां मत जाओ, पासी समाज क्रोधित है, महाराजा सलीहा पासी हैं, अर्ख नहीं। लेकिन अखिलेश यादव को तो किसी भी हालात में मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने फिर जवाब दिया कि हमें पासियों के वोट की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी हालात में मुख्यमंत्री बनना है। साथियों अखिलेश यादव वहां भी महाराजा सलीहा पासी को अर्कवंशी घोषित करके आ गए। तकरीबन 500 पासी वहां संडीला में विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप भली भांति जानते होंगे कि गोरखपुर के बाहुबली नेता ओम प्रकाश पासवान, जिसे पूर्वांचल का शेर कहा जाता था, अगर ओम प्रकाश पासवान जिंदा होते तो आज ओम प्रकाश राजभर अभी भी टेम्पू चला रहा होता। ओम प्रकाश पासवान को समाजवादी पार्टी के इशारे पर राकेश यादव ने ओम प्रकाश पासवान को बम से उड़ा दिया। आज उसी राकेश यादव को अखिलेश यादव ने सपा से महाराजगंज की पनियारा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर एक बार फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि राकेश यादव पासियों के सिर पर तांडव करें। और यही लोग बात करते हैं संविधान की। साथियों समझना आपको है कि जो व्यक्ति चुनाव के पहले ही पासी इतिहास को मिटा रहा है तो चुनाव जीतने के बाद तुम्हें उत्तर प्रदेश में रहने भी देगा, क्या गारंटी है।
साथियों वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सभी पासी भाइयों तक पहुंचाओ ताकि अपने वोट की अहमियत समझ सके। जो चुनाव के पहले ही हमारे वोटों का महत्व नहीं देता, वो चुनाव जीत जाने के बाद हमारे समाज और हमारा महत्व क्या देगा। साथियों अखिलेश यादव कहते ना, तीन तीन चार चार बार इन्होंने ऐसा किया है। एक बार होता है तो गलती, दूसरे बार होता है तो चलो तुक्का, तीसरे बार होता है तो जानबूझकर, चौथी बार होता है तो हाथ धोकर पीछे पड़ना होता है। साथियों अभी भी वक्त है। पहले समाजवादी सरकार में वीरांगना उदा देवी की मूर्ति तोड़वाई गई, फिर महाराजा सुहेलदेव को राजभर घोषित किया गया, महाराजा सलीहा पासी को अर्कवंशी घोषित किया गया, फिर उस राकेश यादव को टिकट दिया जिसने ओम प्रकाश पासी को बम से उड़ा दिया था। क्यों दिया? आखिर वो एक अपराधी था और अखिलेश यादव ने उसे टिकट देकर, उसे अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाकर, जानबूझकर पासियों के सिर पर तांडव करने के लिए राकेश यादव को आगे कर रहे हैं। साथियों अभी भी वक्त है। यदि समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन की सरकार बनी तभी तो आप महाराजा सुहेलदेव का नाम ले रहे हो। उसके बाद अगर महाराजा सुहेलदेव का नाम ले लिया तो तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाओगे, क्योंकि हमारे नेता अपने इतिहास के भूखे नहीं है, ओम प्रकाश राजभर अपने इतिहास का भूखा है। ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति समुदाय की बात करता है। अगर इतनी पार्टियां गठबंधन में हैं, अगर मान लो ये चुनाव जीत भी जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि ओम प्रकाश राजभर उसी थाली में छेद नहीं करेगा जिस थाली में वो खाता है? उसने बीजेपी के साथ ऐसा ही किया, वो आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा करेगा, क्योंकि उसका सपना है कि 5 साल में 20 मुख्यमंत्री तो कैसे होंगे? एक मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा इस्तीफा देगा, तीसरा फिर आएगा, फिर जब तक कुर्सी पे बैठे बैठेगा तब तक फिर इस्तीफा देगा। साथियों तो आप अपने हिसाब से ओम प्रकाश राजभर का और अखिलेश यादव का बहिष्कार करें। आपके पास ऑप्शन है वोट देने के लिए बसपा, कांग्रेस, आम आदमी, बीजेपी, लेकिन सपा पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही साबित होगा। चुनाव से पहले इंद्रजीत सरोज जैसे बड़े नेताओं की समाजवादी पार्टी में कोई महत्व नहीं है, लेकिन करे क्या, रोटी तो उन्हें भी खानी है। वो समाज का नेतृत्व तो नहीं कर रहे हैं, वो लीडर नहीं लोडर है समाजवादी पार्टी का। क्योंकि अखिलेश यादव ने जब साफ साफ कह दिया था कि हम पासी वोट पर विश्वास नहीं रखते हैं, ओबीसी और मुस्लिम वोट पर विश्वास रखते हैं, तो उनका फर्ज था सीधा इस्तीफा दे देते, लेकिन कहते ना वो लीडर नहीं लोडर। और समाजवादी सरकार बनते ही अभी गोरखपुर में यादव वर्सेस पासी होता है। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश पासवान को एक यादव ने उड़ा दिया था समाजवादी नेताओं के इशारे पर, और इनकी सरकार बनते ही यादव वर्सेस पासी पूरे भारत में होगा। सत्ता में मजबूत यादव होगा तो मारे आप जाओगे, प्रशासन सुनेगा आपकी नहीं, थाने में लट्ठा आप पर चलेगा, थाने में घूस रिश्वतखोरी आपको देना होगा, बाकी विचार आपको करना है। धन्यवाद।